हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर हमारे पास क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आप पीछे भी पढ़ चुके हो 11th और 10th क्लास में। अब हम क्या पढ़ेंगे? उसका इनवर्स कैसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू। साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू के हम क्या निकालेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपको फंक्शन गिवन है उसको हम पुट कर लेंगे इज इक्वल टू वाई। लेट साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वाई। देन अब साइन इनवर्स को अगर हम अपोजिट साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? साइन वाई आ जाएगा इज इक्वल टू क्या बचेगा? माइनस वन बाई टू। अब ये साइन वाई है, ये हमारे पास किसके इक्वल है? माइनस वन बाई टू के। तो हम क्या करेंगे? साइन माइनस को तो हमने एज इट इज़ रख लेंगे वन बाई टू। क्या किया हमने? माइनस वन बाई टू एज इट इज़ है। अब देखते हैं साइन वाई, साइन है जो वो माइनस वन बाई टू है, ये हमारे पास गिवन है। और अपोजिट साइड में आपको क्या दे रखा है? साइन वाई। इस माइनस वन बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस को बाहर ले लिया, और वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है? साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू होती है हमारे पास। और इज इक्वल टू में कौन है? साइन वाई है आपके पास। फिर हमारे पास क्या है? साइन से अगर बाहर को भी नेगेटिव होता है तो वो किस में आता है? एंगल में। और एंगल के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो क्या आ जाता है? बाहर। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन माइनस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन वाई के इक्वल आ जाएगा। इसको हमने क्या लिख दिया कि साइन वाई किसके इक्वल आया? साइन माइनस पाई बाई सिक्स के इक्वल आ जाएगा। अब वी नो दैट, अब हमारे पास क्या है? द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की रेंज हमारे पास क्या होती है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। जब आप पढ़ते थे कि साइन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पाई बाई टू से स्टार्ट होती है, नेगेटिव भी आ जाती है और पॉजिटिव भी। चार क्वाड्रेंट है, दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव में आती है वैल्यू और दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव में। इसलिए हमारे पास इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। क्योंकि जीरो से नाइन्टी तक जो हमारे पास आ जाती है वैल्यू, उन्हीं का हम दोबारा से यूज़ करते रहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड। बस फर्क क्या पड़ता है? वो पॉजिटिव हो जाती, कभी वो नेगेटिव हो जाती है, आती वही वैल्यूज़ है हमारे पास। तो क्या बोल देंगे? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करता है साइन, एंड साइन माइनस पाई बाई सिक्स किसके इक्वल है? माइनस वन बाई टू। इसलिए हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या बोल सकते हैं कि साइन से अगर हम साइन को कट कर देंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस पाई बाई सिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू। कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू को हमने क्या किया? लेट कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू वाई। सबसे पहले वाई के इक्वल पुट कर लिया, फिर कॉस है, कॉस को अपोजिट साइड लेके जाएंगे, क्या बनेगा? कॉस वाई। इधर क्या बचेगा? रूट थ्री बाई टू। कॉस की वैल्यू रूट थ्री बाई टू कहाँ होती है? पाई बाई सिक्स पे। तो क्या लिखेंगे? कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस पाई बाई सिक्स। कॉस की रेंज हमारे पास क्या होती है? जीरो से पाई। वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज जीरो टू पाई, एंड कोस पाई बाई सिक्स हमारे पास क्या है? रूट थ्री बाई टू। प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? जीरो से पाई तक, क्योंकि जीरो से पाई तक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यूज आ जाती है हमारी कोस की। इसीलिए हम क्या बोल देंगे? जीरो से पाई तक लाई करती है, पाई तक लाई करती है, तो क्या बोल देंगे? कोस पाई बाई सिक्स कितना है? रूट थ्री बाई टू। इसके बीच में लाई करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? पाई बाई सिक्स। नेक्स्ट है कोसिकेंट इनवर्स टू। कोसिकेंट इनवर्स टू इज इक्वल टू वाई। कोसिकेंट को अपोजिट साइड लेके जाएंगे, कोसेक वाई इज इक्वल टू टू। अब टू वैल्यू कहाँ होती है? कोसेक की, पाई बाई सिक्स। तो क्या लिख देंगे? कोसेक पाई बाई सिक्स। अब साइन की कहाँ तक होती है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। तो इसकी भी क्या होगी? वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स इज माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। सो किसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे? हम जीरो को, क्योंकि आपके पास कोसेक में जब हमारे पास साइन पाई बाई टू क्या आता है? जीरो। बट अगर इसको हम कोसेक में कन्वर्ट करेंगे तो कोसेक पाई बाई टू हमारे पास क्या होता है? वन बाई साइन पाई बाई टू लिख देंगे, और वन बाई ज़ीरो। साइन पाई बाई टू ज़ीरो, तो वन बाई ज़ीरो क्या आ जाता है हमारे पास? इन्फिनिटिव। इसीलिए हम किसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं? ज़ीरो को। ज़ीरो को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, एंड कोसेक पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टू। तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? पाई बाई टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री।
लेट 10 इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू वाई। अब हम वाई को अपोजिट साइड लेके आएंगे, क्या आ जाएगा, 10y इज इक्वल टू माइनस रूट 3। अब 10 के अंदर जब हमारे पास एंगल है, एंगल में बाहर ले लिया हमने पहले, माइनस को बाहर रख रखा है और रूट 3 वैल्यू कहाँ होती है, 10π/3। लेकिन 10 में अगर आगे नेगेटिव है तो हमारे पास एंगल के अंदर चला जाता है, इस माइनस को अंदर लेके गए 10 π/3 आ जाएगा। वी नो दैट द रेंज ऑफ द 10 की अब रेंज हमारे पास क्या होती है, -π/2 से π/2। ये आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दे रखी है चैप्टर सेकंड के स्टार्टिंग में, वो आप चैप्टर से के वहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड 10 -π/3 इसी के अंदर आ जाता है तो -√3 आ जाएगा। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स -1/2। लेट कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई। अपोजिट साइड लेके आएंगे, कॉस वाई इज इक्वल टू -1/2। माइनस को बाहर रख लिया, 1/2 वैल्यू कहाँ होती है, कॉस π/3, π/3 पे आ गई, इज इक्वल टू जो हमारे पास माइनस है, जब वो इसके अंदर जाता है तो प्लस हो जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि कॉस को नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव कहाँ बना सकते हैं हम, कि पाई -π/3 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेंट है 4, ये हमारे पास पाई है, अगर इसमें आ गया तो भी नेगेटिव है, इसमें आएगा तो भी नेगेटिव है, लेकिन हमारे पास लिमिट क्या है, 0 से π। अगर 0 से लेके π तक ही करता है तो पाई में से माइनस करेंगे, इसीलिए हमने क्या किया, कॉस पाई -π/3, क्या आ जाएगा, कॉस 2π/3। वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 to π, 0 से π है, इसीलिए हमने इसमें से माइनस करके निकाला कि कॉस 2π/3 इज इक्वल टू -1/2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2π/3। नेक्स्ट है 10 इनवर्स -1। 10 इनवर्स -1 इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। अब वाई को इधर लेके आए, 10y इज इक्वल टू -1, माइनस को बाहर ले लेंगे, 1 का होता है 10π/4 पे होता है, इज इक्वल टू माइनस को अंदर लेके गए, 10 -π/4 आ जाएगा। वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू, अब हमारे पास 10 है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -π/2 से π/2, उसी के बीच में क्या आ जाएगा, 10 -π/4, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है हमारे पास, तो क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स -1 की क्या आ जाएगी, -π/4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, sec inverse 2/√3। sec inverse 2/√3 इज इक्वल टू वाई लेके चलेंगे, sec को अपोजिट साइड लेके आए, sec y इज इक्वल टू 2/√3, एंड sec 2/√3 वैल्यू कहाँ होती है, π/6, तो इसको हम क्या बोल देंगे, वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ sec इनवर्स इज 0 से π, क्योंकि हमारे पास cos है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से π, और उसी का अपोजिट क्या है, sec, लेकिन इसमें से किसको नेगलेक्ट करेंगे, π/2 को, क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास सेम वही रीज़न है, sec हमारे पास से π/2 निकालना है, उसके लिए हम क्या कर देंगे, 1 cos π/2, और 1 cos π/2 क्या होता है, 0, और ये हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटिव, नॉट डिफाइन आता है, तो इसीलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, एंड sec π/6 क्या आ जाएगा, 2/√3, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, π/6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, cot inverse √3। अपोजिट साइड लेके आए, लेट cot inverse √3 इज इक्वल टू वाई, एंड cot y इज इक्वल टू क्या आएगा, √3। अब √3 वैल्यू कहाँ होती है cot की, π/6, तो क्या लिखेंगे, cot π/6। वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cot इनवर्स इज 0 से π, क्यों, क्योंकि cot की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो कहाँ होती है, 0 से π। 10 की हमारे पास -π/2 से π/2 होती है, और cot की 0 से π। cot π/6 हमारे पास √3 है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, cos inverse -1/√2। लेट cos inverse -1/√2 इज इक्वल टू वाई। cos y को अपोजिट साइड लेके आए, cos y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/√2। -1/√2 को माइनस बाहर रख लेंगे, 1/√2 कहाँ होती है, π/4, तो क्या लिख देंगे, -cos π/4। अब पाई तक लाई करता है तो पाई में से माइनस करना पड़ेगा, cos π - π/4 करेंगे, इज इक्वल टू 4 × 1 = 4, 4 में से 1 जाएगा 3, cos 3π/4। वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज 0 से π, एंड cos 3π/4 इज -1/√2, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, 3π/4। नेक्स्ट है cosec inverse -√2 इज इक्वल टू वाई।
देन कोस सेक वाई, इसको हम अपोजिट साइड लेके आए, लेट कोस वाई कोस सेक वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस रूट टू। अब माइनस ये वैल्यू हमारे पास क्या होती है, माइनस को बाहर ले लेंगे, रूट टू कहाँ होती है कोस सेक पाई बाई फोर में, और माइनस को अगर अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोस सेक माइनस पाई बाई फोर आ जाएगा। वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस सेक इनवर्स इज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन किसको नेग्लेक्ट करेंगे, जीरो को, एंड कोस सेक माइनस पाई बाई फोर कहाँ होता है, माइनस रूट टू में, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, माइनस पाई बाई फोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक हमने सिंगल सिंगल के लिए निकाला, अब हम देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, टेन इनवर्स वन प्लस कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू। लेट, अब हम तीनों को अलग अलग वैल्यू निकालेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे। कैसे, टेन इनवर्स वन इज इक्वल टू क्या मान लिया, एक्स, टेन एक्स इज इक्वल टू वन, और वन का होता है पाई बाई फोर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वन की जगह क्या आएगा, पाई बाई फोर आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वाई आ रखा है। अब इसको अपोजिट साइड लेके आए, कोस वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू आ जाएगा। माइनस वन बाई टू वैल्यू कहाँ होती है, माइनस कोस पाई बाई थ्री, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कोस पाई माइनस पाई बाई थ्री, पाई में से घटा देंगे, कोस टू पाई बाई थ्री। थर्ड क्या है, साइन इनवर्स वन बाई टू, अब इसको भी निकाल लेंगे। अब ये हमारे पास क्या आया, कोस इनवर्स माइनस पाई बाई टू हमारे पास क्या आया था, टू बाई थ्री, माइनस वन बाई टू हमारे पास क्या है, टू पाई बाई थ्री है। थर्ड हमारे पास क्या है, लेट साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जेड मान लिया, साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ये वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन पाई बाई सिक्स, माइनस को अंदर लेके गए साइन माइनस पाई बाई सिक्स, तो हमारे पास साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू की वैल्यू क्या आई, साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई सिक्स, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, जेड क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई सिक्स आ जाएगी। तीनों वैल्यू को पुट करेंगे, क्या थे, टेन इनवर्स वन प्लस कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, ये क्या आया, पाई बाई फोर प्लस टू पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई सिक्स। सभी को अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्वेल्व आ जाएगा, फोर थ्री जा ट्वेल्व, थ्री वन जा थ्री पाई, थ्री फोर जा फोर टू जा एट पाई, सिक्स टू जा टू वन जा माइनस टू पाई, एट थ्री इलेवन, इलेवन में से टू जाएगा नाइन पाई बाई ट्वेल्व, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, क्या आ जाएगा, थ्री पाई बाई फोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स वन बाई टू प्लस टू साइन इनवर्स वन बाई टू। अब फर्स्ट हमारे पास क्या है, लेट कॉस इनवर्स वन बाई टू इज इक्वल टू एक्स लेके चले, देन कॉस एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, वन बाई टू, और वन बाई टू वैल्यू कहाँ होती है, कॉस पाई बाई थ्री, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसकी कॉस इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई थ्री। इसी तरह इसका निकाल लेंगे, साइन इनवर्स वन बाई टू इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, देन साइन वाई क्या आएगा, वन बाई टू। अब वन बाई टू वैल्यू कहाँ होती है साइन की, साइन पाई बाई सिक्स, तो यहाँ से साइन वाई है वो साइन पाई बाई सिक्स आ जाएगा, तो साइन इनवर्स वन बाई टू क्या आ जाएगा, पाई बाई सिक्स के इक्वल आ जाएगा। दोनों की हम अप्लाई कर देंगे, कॉस इनवर्स वन बाई टू प्लस टू साइन इनवर्स वन बाई टू, कॉस इनवर्स वन बाई टू क्या होता है, पाई बाई थ्री प्लस टू इंटू ये क्या आ गया, पाई बाई सिक्स, टू से कैंसिल कर देंगे थ्री, पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई थ्री, दोनों का बेस सेम है तो डिवाइड में थ्री, पाई प्लस पाई क्या आ जाएगा, टू पाई, क्या आया, टू पाई बाई थ्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, देन ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि साइन कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करता है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इट इज़ गिवन दैट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स के क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, देन साइन क्या आ जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू इज इक्वल टू, अब ये बताना है हमें, दोनों को सोल्व करेंगे, टेन इनवर्स रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स, अब टेन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट थ्री, रूट थ्री वैल्यू कहाँ है, टेन पाई बाई थ्री। वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ टेन इनवर्स इज, अब हमारे पास क्या निकालना है, टेन इनवर्स है जो उसकी रेंज निकाल, कैसे, टेन इनवर्स रूट थ्री का आया पाई बाई थ्री, ये वैल्यू आ गई फर्स्ट की, सेकंड क्या है, सेक इनवर्स माइनस टू इज इक्वल टू वाई,
sec इनवर्स को sec को अपोजिट साइड लेके आए, sec y इज इक्वल टू माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू को माइनस बाहर ले लिया, टू कहाँ है sec पाई बाई थ्री पर है हमारी वैल्यू, इज इक्वल टू, अब sec नेगेटिव अंदर लेके नहीं जा सकते इसलिए क्या करेंगे sec पाई माइनस पाई बाई थ्री, थ्री बन जा थ्री, थ्री में से बन जाएगा टू, sec टू पाई बाई थ्री, तो इसकी हमारे पास क्या आई टू पाई बाई थ्री। अब अप्लाई कर देंगे tan इनवर्स रूट थ्री माइनस sec इनवर्स माइनस टू पाई बाई थ्री माइनस टू पाई बाई थ्री, एलसीएम क्या आया थ्री पाई माइनस टू पाई, टू पाई में से पाई घटा देंगे माइनस पाई बाई थ्री, और ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1। ओके, थैंक यू।